इतना सन्नाटा है ना, ऐसे घूर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। ओ पाजी, मेरे वास्ते कुछ शेर नहीं बोलिया। महाराज टका के बोलांगे, कोई हद कर दे। सिद्धू पाजी के पास ज्यादातर लेडीज शेर रहते हैं। ये गाना था है? हाँ। किन्ने लिखा गाना? किन्ने लिखा? इन्होंने लिखवाया कहीं से। हाउस कमल सर, इज वेरी वेल, थैंक यू। इसमें कौन सी हंसी वाली बात है? तो मैं हालचाल पूछ लिया। 3, 2, 1, म्यूजिक इतालिया। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। वैसे सिद्धू जी, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। सिद्धू जी, क्या है कि एक राजा है जिसने ये दावा किया है कि हमारी ये सोसाइटी की जमीन उसकी है, तो हमने ना उसको झूठ कह दिया है, हमने उसे कह दिया कि हमने ये जमीन बाहुबली को बेच दी। सर अभी वो राजा यहाँ पर आने वाला है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा बाहुबली भी आने वाला है। और बाई चांस सर, अगर आपसे इसके बारे में कोई कुछ पूछे ना, तो आप कह देना कि आप कटप्पा के भाई हड़प्पा हैं। ओके, बाहुबली, बाहुबली, बंपर बाहुबली कहाँ है? अरे उनको तो लेने तुम गई थी ना। नहीं, मैं तो नारियल पानी लेने गई थी। मुर्गे को मैं लेकर आती हूँ उनको। बाहुबली, 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 बाहुबली। Yes! बस महाराज की जय हो। महाराज की जय होगी और महाराज को बच्चा होगा। तुम्हें महारानी बनने को बोला था, ये महारानी बन के आई हो? हाँ, आपको तो बड़ा पता है ना, आप तो मुगलों के खानदान से बिलोंग करते हैं। बिलोंग नहीं करते तो फिर क्या हुआ? हमें मुगलों का सारा पता है। मुगलाई चिकन, आई लव दासी। महारानी? ओहो सॉरी, माफ कर दो, मैंने मुंह देख के बोल दिया था। देखो ऐसे कपड़े पहन के कोई महारानी नहीं बन जाता, ऐसे महारानी की ऐसे चाल में कोई अंदाज होना चाहिए। हाँ तो हमारी चाल भी महारानियों जैसी है, ये देखिए। वाह, कहीं तुम एक सर पे टोकरी रख लो ना तो कसम से कपड़े लेके बर्तन बेचने वाली लगोगी तुम। ऐसे करते हैं, एक काम करो, साथ में ना ऐसे अखबार फेंकती जाओ, ऐसे 4 रुपए भी बन जाएंगे तुम्हारे। क्या कर रही हो महाराज? आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखो देखो देखो, अगर तुम चली जाओगी ना तो वो राजा जमीन ले जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक शर्त पे रुकूंगी, आपको हमारी तारीफ करनी होगी। मतलब राजा जमीन लेके ही जाएगा? हम कोशिश करते हैं। महारानी, युद्ध भूमि में तुम्हें सिर्फ तलवार चाहिए, तुम्हें ढाल की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम अपने होठ आगे कर देना। हम जा रहे हैं। रुको, रुको रुको महारानी, इधर आओ, ये तो जाती बहुत है, इधर आओ। देखो मैं तुम्हें युद्ध नीति समझाता हूँ पहले। जी। अपना ध्यान हमेशा मछली की तरफ और हाथ कटोरी की तरफ। एक मिनट, ये कैसी युद्ध नीति हुई? सॉरी, मुझे भूख लगी थी, मिक्स हो गया, रुको। देखिए हमें नहीं लड़ना ये लड़ाई, हम सुनो मेरी बात, सुनो हर बात में। युद्ध नीति सीखो पहले, सबसे पहले ऐसे करो। ये कैसी युद्ध नीति हुई? ये तो हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली बात हो गई। जब माफी से बात खत्म होती तो क्यों युद्ध में थप्पड़ खाए यार? माफी मांग लेंगे ना अगर ज्यादा मामला बढ़ा तो। जय महेशमती, जय महेशमती। वाह वाह, तुम राजकुमारी बन के आ गई। अब दुश्मन देश के हाथ पैर फूल जाएंगे कि जिनकी बेटी ऐसी है वो खुद कितना भयानक होगा। मैं राजकुमारी बन के नहीं आई हूँ, मैं महारानी बन के आई हूँ। हम है महारानी। क्या? ये अगर महारानी है तो मैं पटरानी हूँ। पटरानी? जितना तुम खाती मुझे लगा तुम फटरानी बन जाओगी। युद्ध की तैयारी करो, युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन महाराज, सरकार ने तो जानवरों पे रोक लगाई है, तो हाथी कैसे जाएंगे युद्ध पे? ओहो, लेकिन अगर चूही जा सकती है तो हाथी भी जा ही सकते हैं मेरे ख्याल से युद्ध पे। तुमने मुझे चूही कहा? तो क्या जूही बोलूं? मुगलों की एक छीक की मेहमान। अच्छी महाराज, इससे पहले कि दुश्मन हमला करे मैं बंबर पे हमला कर दूंगी। देखो तुम लोग आपस में मत लड़ो, पीछे बैठो, उधर बैठो। देखो दुश्मन सेना आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम महारानी हो और तुम राजकुमारी। अरे पर ये महारानी कहाँ से लगती है? क्योंकि हमारे दादाजी खानदानी योद्धा थे।
खानदानी नहीं, पीकदानी, मैं सच में बता रही हूँ। जब योद्धा युद्ध पे जाते थे ना, तो इनके दादाजी ऐसे पीकदान लेके पीछे पीछे चलते थे। वैसे महाराज हमें बताइए, हमें आगे करना क्या होगा? देखो, तुम्हें हमारी युद्ध कौशलता के बारे में बढ़ चढ़ के तारीफें करनी है। Who is this कौशलता? कौशलता अपना, आ जाओ यार, तैयार हो, युद्ध हो सकता है कभी भी, चलो जाओ। ओके ओके, व्हाटएवर, मैं आती हूँ। बादब बामुलाए जा होशियार, वादे के पक्के, दुश्मनों के उड़ाने छक्के, जो करते हैं रोशे, coming up हलाल देव। हम पदोती मुल्क के लादा बल्लाल देव। आप वही तो नहीं है वो जो शादी के कार्ड में कहते हैं मेरे मामू की शादी में जुलूल जुलूल आना? महाराज देखिए कितने क्यूट से कुत्ते को लेकर आए। ए तुम्हारी हिम्मत कहती हुई हमारे शाही घोले का अपमान करने की हिम्मत कहती हुई, कहाँ है वो बाहुबली, कहाँ है बाहुबली? अरे इतनी किस बात की गर्मी है सर, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? पहले तब ठीक था, अभी कुछ भी ठीक नहीं है। और ये तब पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं वो बाहुबली। क्या बाहुबली टाइप है? क्या ये बाहुबली है? बाहुबली युद्ध के लिए तैयार हो जा। देखो तुम्हें मुझे मारने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे जब तक तुम्हें नहीं मालूंगा लाश पर से कैसे जाऊंगा? यही तो क्विज है, ट्विस्ट। मुल्क की तरह मजाक मत करो, तुम हमें नहीं जानते, हम 100,000 सिपाही की पोज लेकर साथ में आए हैं। 100,000 सिपाही? हाँ। महाराज यहाँ युद्ध होने वाला है, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट। बाहुबली तुम्हारी हिम्मत कहते हुए हमारे जमीन पर कब्जा करने की। ये आते ही लड़ाई ऐसी गर्मी क्यों करते हैं सर जी? अब मेरी बात सुनो, पहले कुछ ठंडा वंडा लिया, सांस लो। महारानी जाके सांप के लिए शरबत लेके आओ। जी महाराज। शरबत? एक मिनट, तुम हमें शरबत क्यों पिला रहे हो? तुमने हमें क्या मोती का लड़का समझ रखा है? आप मेरी मौसी के लड़के कैसे हो सकते हैं? मेरी मौसी का लड़का तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम भी कहते मौती के लड़के होंगे, तुम तो अपनी माँ के लड़के होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बाप का लड़का हूँ, माँ का तो मैं सुपुत्र हूँ। अरे वो एक ही बात हो गई ना। तो मैंने कब कहा दो बात, आप फिर लड़ाई शुरू कर दी आपने, लड़ते बढ़ाए आप। यलकाल हो। अरे वैसे कैसे हो, अभी तो हमारा राज तिलक भी नहीं हुआ। अरे अब तिलक का लड़ाई से क्या लेना देना? हमारे यहाँ होता है युद्ध से पहले से राज तिलक किया जाता है, यही हमारे यहाँ की परंपरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही है हमारे 3 स्तंभ। ये डायलॉग तो अमिताभ बच्चन ने मोहब्बते में किया था। मोहब्बते में किया था लेकिन गुस्से में किया था ना। लेकिन तो अमिताभ बच्चन को बीच में क्यों ला ले हो? अमिताभ बच्चन बीच में नहीं आ रहे, IPL बीच में आए। अभी IPL गया, अभी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। मैं सूर्यवंशम देखने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। ऐसे बड़े राजा हैं आप, इतनी छोटी सी जमीन के लिए? आपकी जगह मैं होता ना, अच्छा भीख में दे देता जमीन। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी जगह पे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ। हमारी जमीन वापस करो। अरे लेकिन जमीन तो तुम्हारी है। बात खत्म, आ जाओ। अरे यार। और क्या? महाराज शरबत। धन्यवाद। धन्यवाद, अब अपने पास रखिए, 50 रुपए निकालिए। आप हमसे शरबत के पैसे लेंगे? हाँ तो हमारा मेन काम तो वही है जी। तो अब हम हमारा मेन काम शुरू करते हैं, चलो तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार, तैयार हो जा, तैयार है, मेरे से धोती नहीं संभाली जा रही और तैयार करवा रहे हो। तैयार होके क्या मतलब, मैं रानी की साड़ी पहन के सिंदूर लगा के आ जाऊँ? महारानी युद्ध से पहले इनका युद्ध स्वागत करो, इनकी आरती उतारो, इनके गले में माला डालो। अरे गले में माला डालो, ऐसा तो हमारी शादी हो जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं, लड़ाई करके क्या फायदा। वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि ठोको ताली। ठोको ताली, अरे वो तो सिद्धू जी ने कहा है। आप सिद्धू जी को महान नहीं मानते? आप इधर उधर की बातें कर ले हो, मुझे बहला रहे हो, पहले तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार। देखिए अगर हमारे महाराज को गुस्सा आ गया तो धरती कांप उठेगी। पिछली बार जब महाराज गुस्सा हुए थे उन्होंने ताजमहल को मुंबई शिफ्ट कर दिया था। फिर क्या, मैं फेल हो गया? फिर मैं अगली बार याद करके गया कि ताजमहल जो है आगरा में है। उसके बाद उन्होंने सवाल बदल दिया, पहले ताजमहल बनवाया किसने था, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा हम जवाब बदल दे तो फेल, आप सवाल बदल दो तो स्कूल, वाह। अगर यही है तुम्हारा इंसाफ तो ठोको ताली। अरे क्या ठोको ताली, ठोको ताली, लगता है तुम भल्लाल देव को जानते नहीं। चिल डूड चिल, क्या है यार। इतना गुस्सा क्यों करते हो?
महारानी, जो कल हमने शेर को थप्पड़ मारे थे वो शेर कहाँ है? महाराज वो रो रहा है, वो डर गया है। ओहो, क्या करूँ मैं अपनी वीरता का यार। उसको मेरी तरह से सॉरी बोलो, उसको बोलो आगे से नहीं पीटेंगे। सुन रहा है ना तू? बता रहा हूँ मैं। अरे क्या बता ला कल है मेरी दिमाग के हताला है तू। तू तैयार हो जा। पर अब अगर एक बार भी तुमने मुझे कहा ना तैयार हो जाओ, तो मैं सिंदूर लगा के लिपस्टिक लगा के मैक्सी पहन के ऐसा सेक्सी बन के आऊंगा ना, सारा मूड बदल जाएगा लड़ाई का। मैं बोल रहा हूँ अगर इतने बड़े योद्धा हो तो हमारे यहाँ की औरतों से लड़के बताओ। मैं लड़ने नहीं आयु, मैं आपको बताने आयु कि महाराज आपकी महारानी को बेटा हुआ है। ये कहते हो सकता है? हमारी माँ लाली तो कब की हमारे मंत्री के साथ भाग गई है। राजकुमारी, अब हमारी राजकुमारी उनकी तरफ से क्यों बात कर रही है? नहीं नहीं, वो तो मैंने एक्चुअली ना फिल्मों में देखा है कि किसी महाराज को बोलो कि उसकी महारानी को बेटा हुआ है तुरंत ऐसे हार वार निकाल के गिफ्ट में दे देता है, पर ये तो एकदम चिंटली निकला। लेकिन बट चूही, और किसी को प्यारी तो तुम होती नहीं, तुम भगवान को ही प्यारी हो जाओ ना। महाराज आप इसे समझा दीजिए वरना हम इसका वध कर देंगे। मुझ पे हाथ उठाने से पहले तुम्हें इनकी लाश में से गुजर के जाना होगा। फोकट में मुझे क्यों बीच में ला ले हो? बीच में तो तुम आ ही गए हो, वैसे तुम दुनिया में क्यों आए हो एक्चुअली? क्या ऐसे कोई बात करता है अपने शत्रु से? तो क्या शत्रु से ऐसे बात करे? ए, ए, ऐसे करके बेटी मेहमान आए हैं, इनसे चाय तो पूछो। हाँ हाँ, आप चाय लेकर आए हैं? अले कोई ऐसे पूछता है क्या? ओ अच्छा, सॉरी, आप जरा चाय बना के पिलाएंगे? अले ऐसे कोई बात करता है क्या? ऐसे पूछते है कि आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ मैं पी लूंगी, दो चम्मच शक्कर डाल दीजिएगा और दूध थोड़ा सा ज्यादा। अले तुम मुझे पूछो तुम चाय पियोगे? आप यहाँ चाय पीने आए हैं? माफ करना मुझसे गलती हो गई। घोषणा कर दो, दुश्मन सेना हमसे डर गई, उन्होंने माफी मांग ली। नहीं हमने वो वाली माफी नहीं मांगी है, हमने ताए वाली माफी मांगी है। तुम कुछ भी बोलते हो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये बंदा तैयार करा के मानेगा, ये नहीं सुनेगा। देखो हमारे साथ युद्ध करने से पहले आपको हमारे शेरों से लड़ना होगा। शेर? तुम्हारे पास शेर भी है? हाँ। चलो बैठो। तो सुनो, दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। बाफा। दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। हमारे पास चावल है, मेरे पास कड़ी है। तलवार लेकर आए हैं, जान लेकर जाएंगे, पिकनिक पे नहीं बुलाया, जो खाना खाएंगे। बहुत ज्यादा खराब था। लड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? फालतू क्यों लड़ाइयां लड़ते हो? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अरे बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब मौत मेरे मुंह में जाने के लिए तैयार हो जाओ। दूर क्यों बार बार तैयार कर रहे हो तुम यार? राजकुमारी इधर। हाँ कहिए। तुम इससे लड़ो, मुझे डर लग रहा है। अरे लड़की को आगे बढ़ाते हो? हाँ तो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी पढ़ाओ, क्यों बेटियां किसी से कम है? कहते बाहुबली हो, लड़कियों को आगे करते हो। वो कभी औरतों को आगे नहीं करता था, मुझे तो डाउट है तुम ओरिजिनल बाहुबली हो के नहीं। मैं ही हूँ असली बाहुबली, धर्मेंद्र बाहुबली। धर्मेंद्र बाहुबली? हाँ, धर्मेंद्र इनके दादाजी का नाम है। तो ये कौन है? जितेंद्र बाहुबली। जितेंद्र बाहुबली? मुझे तो डाउट है ये बाहुबली है ही नहीं। आपको यकीन नहीं, हमारे पेपर देख लो, मैं आपको आधार कार्ड दिखाऊंगा अपना। अरे नहीं यकीन तो राजा मलिक से बात करके देख लो यार। फाड़ में जाए तुम्हारा आधार कार्ड। लड़ो नहीं, 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 हम लड़कियों से नहीं लड़ते, इनसे तो हमारी राजकुमारी लड़ेगी। राजकुमारी सावधान होशियार, खबरदार, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। ये क्या कर रहे हो आप? स्पेशल इफेक्ट्स। राजा मौली देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे गाने में इफेक्ट नहीं दिए। देखो तुम इससे थोड़ा दूर ही लो। क्यों, ये नहा के नहीं आई? मैं रोज नहाती हूँ। फिल्म में तो दिखाया नहीं। बंद करो अपना ये मजाक, हम लोहा लेने आए हैं। हम तो आपको इतना लोहा दे देंगे आपको बड़ी का काम शुरू कर लो। मैं तो कहता हूँ बहुत लोहा है हमारे पास। लगता है तुम्हें हमारा डर नहीं। मैं तो कहता हूँ इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं।
दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं? तो दोस्ती कर लेते हैं। ए मेले भाई, तू बाहुबली है या इम्तियाज अली? हर सिचुएशन को फिल्म के सीन में बदल देते हो। कायल कहीं के तैयार हो जा। कायल नहीं, मां कायल हूं मैं। बंद करो ये नाच गाना। पिताजी साइड प्लीज, अब युद्ध होगा। एक मिनट रुको, मैं क्या कर रही हूँ? लग जाएगी। बाहुबली खानदान की औरतें युद्ध नहीं लड़ती। बाहुबली खानदान? मैं कब बाहुबली खानदान की बहू बनी? तुम क्या करने जा रही थी? मेरे से लड़ने जा रही थी? यस। लड़ती कौन है? बीवी है तो लॉजिक के हिसाब से मेरी बीवी नहीं हुई तुम। सीधे सीधे बताओ, तुम मुझसे लड़ रहे हो कि नहीं? वरना मैं इस चूही को मार दूंगी। खबरदार, मुझ पे हाथ उठाने से पहले आपको इसकी लाश से गुजरना पड़ेगा। मेरी लाश से क्यों? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। देखो राजकुमारी, तुम इनसे लड़ो। अगर तुम मर भी गई कोई चक्कर नहीं, महारानी जिंदा रहनी चाहिए। महारानी जिंदा रहेगी, राजकुमारियां तो होती रहेंगी। ये क्या कह दिया आपने महाराज? मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ तो क्या हुआ, तुम इनकी बेटी से लड़ लो। अरे इनकी बेटी से तो मैं लड़ूंगा। अरे मर्द हो के एक औरत से लड़ोगे? मर्दों से लड़ता हूँ, वो जीत जाते हैं, बड़ा मारते हैं वो। आप पीछे हट जाइए महाराज, पीछे हट जाइए, मैं इनका खात्मा करूंगी। हमारी चाल कामयाब हो गई, अब इसको बंदी बना लो। नहीं नहीं, बंदी तो मैं पहले से बनी हुई हूँ। अगर बंदा बनना है तो बताइए, मैं अंदर जाके चेंज करके आती हूँ। मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए? ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए। अंकल प्लीज मुझे एक बर्गर दिया जाए। कैसे लोगों से युद्ध लड़ने आए हम? अरे कोई राजा के बलगल मांगता है? तो फिर हमारी जमीन वापस दे दो, कुछ तो दो आप। ये हमारी जमीन है और हम वापस लेकर रहेंगे। अब तुम एक्सक्यूज मी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। महेंद्र बाहुबली। चुप कर चिपकली। देखो एक तुम बाप बेटी ने तैयार बड़ा करवाते हो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सुनो देव बाबू। देव बाबू नहीं, इट्स देव सेना। चलो वही मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने शायद फिल्म नहीं देखी, तुम्हें शायद पता नहीं है बाहुबली को कोई अपना ही मार सकता है। ठीक है बाहुबली, तुम्हें कोई अपना ही मारेगा। वो बोलल ही क्या जिसका बॉल न खाए बीच पीच पे टप्पा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बाहुबली को मालेगा कटप्पा। कटप्पा टू? कटप्पा टू? नहीं 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 नहीं, बाहुबली टू। कटप्पा टू नाम की कोई पिक्चर थी नहीं। कटप्पा मारो इस बाहुबली को। महेंद्र बाहुबली। ये रहा आपका कटप्पा, कहाँ रखना है इसे? इधर रख दो, ऐसे पैर के नीचे ना आ जाए। इधर रख दो, यहाँ यहाँ इधर इधर। ओ सुनो, मम्मी को बता के आयो ना तुम इधर आयो। अगर तुम्हारी मम्मी आई मैं डांट नहीं सुनने वाला तुम्हारी मम्मी की। यार ऐसे थोड़ी मारना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अले तुम यहाँ अलार्म करने आए हो? अले मालो उसको, मालो। तुम ठीक हो? नारियल ठीक है तुम्हारा? प्रभु! अरे अब तक तुम मेरे साथ थे? अरे एक्चुअली मैं बहुत टची हूँ, जो मेरे को टच करता है वो मेरा प्रभु बन जाता है। अब मैं इनके साथ हूँ। अच्छा क्या बात, तो अब मैं बुलाता हूँ हाजीराव को। तो तेरा दिमाग खराब है? हाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। एक बात बताओ, बाहुबली में हाजीराव कैसे आ गया? खामोश। राजा वो है जो शत्रु से कभी नहीं डरते और हाजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। तो मंडे करते होंगे। हो सकता है अंडे करते होंगे। वैसे हाजीराव आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एक्सक्यूज मी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आपसे युद्ध करने आए हैं। ओह वाह।
हमसे युद्ध करने आए हैं? कोई बात नहीं महाराज, हमने भी भाले 30 कर लिए हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़े से स्पोर्ट्स शूज मंगवा लो, मुझे लगता है भागने में भला है, भला है। किसकी गर्दन पे ये तलवार रखूं बता दो मुझे, और जो ज्यादा बकवास करे मरवा दो। यार तुम तो सारे डायलॉग याद करके आए हो यार। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे सामने अपने घुटने टेक दो। देखो घुटने वाली ऑप्शन तो चलो लास्ट है ही, राजकुमारी तुम थोड़ा लड़के देख लो। नहीं नहीं, यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, आप मुझे लड़के देखने के लिए कह रहे हैं? ठीक है फिर भी देख, लड़के देख लो ऐसे, कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है ना तुम्हारी? ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज, आपको तो राजकुमारी का हौसला बढ़ाना चाहिए। हाँ। देखो हौसला और कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है तुम चलो। राजकुमारी आप दुश्मन राजा से लड़ो, आजीराव को हम संभालते हैं। अच्छा अगर आप फ्री है तो हम फिल्म देखने चले भी। निकल आक्रमण। नहीं लड़ो, लड़ क्यों रही? मैं कहता दो पागल है तू? भागो भागो महाराज। आज के बारी जो हमारे दो गेस्ट हैं, दोनों ही बड़े टैलेंटेड हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा द वेरी गॉर्जियस श्रुति हसन और राजकुमार राव। श्रुति वेलकम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। थैंक यू कपिल, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे सो स्वीट, क्या लेके? होल्ड दिस ना, ऑफ कोर्स आई थिंक यू विल रियली लाइक इट। सो स्वीट श्रुति, थैंक यू सो मच। आपने लेके किए क्या है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। नहीं मैं पहले बंधवाता था, अभी मैंने ऑपरेशन करवा लिया, अब नहीं होता। डॉक्टर कहते मुझे राखी सूट नहीं करती। मेरे एक बार बता, इस फिल्म का नाम क्या है? बहन होगी तेरी। बहन होगी तेरी। ये एक्चुअली इनकी फिल्म आ रही है बहन होगी तेरी, जान बुझ के राखी लेके आई, अदरवाइज शी लव्स मी। ऐसे सिद्धू पाजी को दे दूंगा। आप बांध लो पाजी, शादी शुदा हो, फिर क्या हुआ? मैं तो जगत पाजी हूँ, हर आदमी आता है पाजी पाजी पाजी। तो शेर नहीं आया आज कोई? जीत कर नेशनल अवार्ड, राजकुमार ने गजब की शुरुआत कर दी। आप दोनों ने यहाँ आकर आज रात खुशियों की सौगात कर दी। क्या बात? कुछ तो गिरा रही है यूं श्रुति महफिल में रूप की बिजलियां। मानो दक्षिण से आए मॉनसून ने यहां मुंबई में बरसात कर दी। क्या बात है? अभी तो आप बोल रहे थे जगत पाजी हूं मैं, अभी बरसात करवा रहे हो आप। यार देख के कांटा बदल देता हूं। श्रुति राजकुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहां पे विराजमान हो जाइए। पाजी इनकी जो फिल्म आ रही है ना बहन होगी तेरी, एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फैक्ट भी है। किसी लड़के को अगर बोल देना कि लड़की तेरी बहन है तो फट से जवाब आता है कि बहन होगी तेरी। लड़कियों में भी ऐसा होता है श्रुति? There are two types of brothers. The ones that are like real brothers, you really want to love them and they should protect you. And then there are the guys that are not nice ना, तो दूर रखने के लिए उनको भी भाई बना लेते हैं। ये रही भाई बहन होगी तेरी। पर अच्छा ये सारी फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हुई ना? लखनऊ में। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, टाइम पे वहां पे शूटिंग कंप्लीट कर ली। हाँ। नहीं तो योगी जी के सीएम बनने के बाद लड़के खुद बोल रहे हैं नहीं मेरी बहन है जी। अच्छा राजकुमार आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी लड़की को बहुत शिद्दत से चाहा और भाई बोल के निकल गई हो? नहीं लकीली अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और अच्छा। मैं चाहूंगा भी नहीं कभी ऐसा हो, बहुत ही ज्यादा मतलब दिल टूट जाता है एकदम से कोई भाई बोल दे। पर स्कूल में ऐसा होता था। अच्छा देखते हैं स्कूल में खासतौर पे रक्षाबंधन वाले दिन बहुत लड़के छुट्टी लेते थे। हाँ। और क्योंकि उस दिन सब लड़कियां राखी लेके आती थी
और हमारे प्रोड्यूसर हैं अमूल मोहन, वो मुझे किस्सा बताते हैं, उनकी बहन नहीं है। अच्छा। तो उनको खड़ा करती थी, वो भी बैठे हैं, टीचर बोलती थी कि किस किस के बहन नहीं है, तो ये खड़े हो जाते बेचारे, तो सब लड़कियों से उनको राखी बंधवाती थी कि सब लड़कियां आज अमूल को राखी बांधेंगी। तो प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। सर मेरे को एक बात बताइए, ये बहन होगी तेरी का आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग में? पाजी ये रियल लाइफ स्टोरी है कि मेरी बहन का जो कैरेक्टर है वो श्रुति हसन प्ले कर रही है, उनका नाम बिन्नी है, और मेरे जीजा घर पे आते थे बचपन से, मोहल्ले में हम एक साथ रहते थे। अच्छा जी। तो बचपन से घर पे आते थे और हम बोलते थे भाई है। अच्छा। और भाई बहन में कब प्यार हुआ और कब शादी कर ली, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। बड़े इंटरेस्टिंग है जीजा जी, आपके आए नहीं साथ में? नहीं, वो नहीं आए जी। तो मतलब वो बहन के लिए आते थे और आप भाई भाई सोचते? हम भाई भाई सोचते। तो अभी शादी करने के बाद फिर आपको जीजा बोलने में हिचक नहीं होती कि कैसे बोले? नहीं, आज भी भाई बोलते हैं हम। तो स्वीट, ये अच्छा है। और प्रोड्यूसर साहब? सर ने जब ये कहानी के बारे में मुझे बोला तो बहुत यंग देसी लगी मुझे, और इसीलिए हमने पिक्चर बनाने का सोचा, और वी वर लकी इनफ टू हैव राजकुमार एंड श्रुति इन द फिल्म। आपको फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा श्रुति, आपने जैसे ट्रेलर में लड़के को कॉलर से पकड़ के खींचती हो, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, रियल लाइफ में भी कभी ऐसे किया आपने? जी हाँ, करना पड़ता है, यू नो यू हैव टू बी टफ इंडिपेंडेंट गर्ल, सो यू हैव टू डू इट समटाइम्स। सो लेट्स चेंज द टॉपिक, उसमें क्या है, इसे पूछना नहीं करना चाहिए। राजकुमार, आपका नाम ही राजकुमार है। अच्छा, ऐसे नाम वाले लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी से उधार नहीं मांग सकते आप। फिल्म में इनका नाम गट्टू है। मैं गट्टू, अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रोमांटिक फिल्म बने ना तो कोई लड़की बोले कि मैं गट्टू से प्यार करती हूँ, पापा मैं जान दे दूंगी? हमेशा राज होता है या राहुल होता है। आपको क्या लगता है राजकुमार, एक जो गट्टू टाइप नाम है, इनसे लड़कियां नहीं इंप्रेस होती हैं ज्यादा, राहुल टाइप राज टाइप क्यों ले जाते हैं? सर ये हमारे सिनेमा ने ऐसा कर दिया है कि मतलब ड्रीम बॉय जो है वो राहुल और राज ही हो गए हैं जी। तो हमारी फिल्म में भी एक राहुल नाम का कैरेक्टर है जो इनको बहुत इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे ट्रेलर में एक सीन है जो बोलता है कि मतलब ये राहुल नाम के लौंडे इतने क्यों होते हैं, तो उसके अंदर कहा कि आज के बाद पिक्चर में हीरो का नाम होगा गट्टू, नो राहुल, क्योंकि हिंदुस्तान में गट्टू ही है सर, एक्चुअली गट्टू, अज्जू है, बिन्नी, ये सब तो है हम सब लोग, बबलू पपलू है, ते कपिल। कपिल तो अच्छा नाम है। अच्छा यहाँ पे कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बात से सहमत है कि जो निकनेम जो होते हैं उनसे कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे आप बता नहीं पाते हो? बचपन में निकनेम लोकी करके बोलते थे, लोकी लॉकी लॉकी करेक्ट, तो सब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे लौकी की सब्जी चिढ़ाते थे। तो इससे अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। अच्छा, मैं MNC में काम करता हूँ। अच्छा। तो एक दिन मेरा ऑफिस जाना नहीं हुआ और ऑफिस से कलीग्स फ़ोन किए और वाइफ ने फ़ोन उठाया, एंड देन वाइफ मुझे फ़ोन हैंड ओवर कर रहे थे, तब बोले लोकी तुम्हारा फ़ोन आया, एंड उसके बाद पूरे ऑफिस में ये काइंड ऑफ न्यूज़ फैल गया कि लोकेश का नाम लोकी है, एंड सब उससे मेरे को चिढ़ाने लग गए, लोकी लोकी लोकी। चलो शुक्र है किसी ने आपकी सब्जी नहीं बनाई अभी तक। लॉकी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी हाय कपिल, मेरा नाम माधुरी शर्मा है, सर मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ। अच्छा। मैं मम्मी मेरे साथ हैं। Hi, how are you? और हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा कहते हो ना सब आपको भाई बना लेते हैं, मेरे साथ बड़ा गलत होता है, मैं नहीं बनाना चाहता। स्वीट, थैंक यू माधुरी। सो तू मेरी माधुरी, मैं तेरे नेने। Yes, माधुरी। सर वैसे दोनों शर्मा शर्मा है। हाँ जी सर, दोनों ही शर्मा है। मैं समझ गया। सर तो मुझे एक्चुअली मेरे नाम की हिस्ट्री है, मुझे घर में सब चंडिका नाम से बुलाते हैं। चंडिका? सर एक्चुअली ये नाम मेरी मौसी ने मेरे लिए रखा था। अपने अच्छा। हरियाणा पंजाब में बोलते हैं कि अनु चंडी चढ़ गई है, जब भी कोई गुस्सा आता है, तो सर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मैं ये भी नहीं देखती मेरे सामने कौन बैठा है। अच्छा। सर तो आप समझ ही गए होंगे। मैं समझ गया मेरी बहन, मैं कोई मेरा कोई इरादा ही नहीं है अभी। चंडिका क्या करती हो माधुरी आप? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो इतना मन से इतनी हार्डवेयर क्यों हो, आई मीन क्यों गुस्से वाली क्यों हो? सर अभी तक आप जैसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला है ना। मेरा सॉफ्टवेयर एक्चुअली हैंग हो गया है। सर मैं आपके वर्किंग होने तक का वेट करूंगी।
So sweet. Shukriya Madhuri. Thank you so much. Thanks Lots a lot. of love to you. Thank you. अब वक्त है फिल्म बहन होगी तेरी की बाकी कास्ट को यहाँ बुलाने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा द हैंडसम मैन. प्लीज वेलकम गौतम गुलाटी. मैंने आपका नाम लिया तो लड़कियों ने बड़ा चिल्लाया. सर ये वो हमारी फिल्म के राहुल हैं ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, ये है राहुल. पर ये अपनी बहन के पीछे छोड़ते नहीं है, हमेशा साथ में घूमते रहते हैं. बहन होगी तेरी यार मेरी नहीं है. बहन तो होगी तेरी यार मेरी भी नहीं है. तो फिल्म में बहन है किसकी आप वैसे बाय द वे? सर कोई कपिल नाम का लड़का है हमारी फिल्म में. आप बुलाते हैं जो बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश सबसे ज्यादा गेटअप लेने वाले हैंडसम खलनायक द वन एंड ओनली बैड मैन गुलशन ग्रोवर. हीरो से रंजिश और हीरोइन को सताते हैं, बदला लेने मां बहन को पकड़ लाते हैं. लगते हैं बड़े डैशिंग और हैंडसम हैं ये बैड मैन, लेकिन सबसे बढ़िया विलेन कहलाते हैं. सर आप इतने हैंडसम हैं, आप हीरो क्यों नहीं बन गए, विलन क्यों बने थे आप? मेरा ये मानना है कि यू कैन बिकम अ हीरो विद एवरेज एक्टिंग एंड गुड लुक्स. अच्छा, खलनायक बनने के लिए जबरदस्त एक्टर. अरे क्या बात. ऐसे ऐसे क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? स्क्रीन टाइम कम है विलन के पास में. जी काम जो करने हैं वो प्रिडिक्टेबल है, पहले से लोगों को पता है कि यही करेंगे. जी. उसके बावजूद अपनी एक्टिंग से इतना फैंटास्टिक ऑरा क्रिएट करते हैं, डर क्रिएट करते हैं. That everybody is scared sitting on the seat. So they require a great actor to play a villain. मैं great new man, great लोगों से सीख कर मैंने अपने काम को चमका दिया. क्या बात है. अच्छा जब कभी अमरीश पुरी साहब ना कमाल के एक्टर थे एक्चुअली, अब हमारे बीच में नहीं है वो, बट वो कभी कभी किसी लड़की के बाप का रोल भी करते थे, उनमें मासूमियत भी ले आते थे ऐसे. अच्छा पर मुझे ऐसा लगता है कि गुलशन सर को कोई भोला भाला करेक्टर भी दे दो ना, तो फिर भी लगेगा कि लास्ट में कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे ये. पता नहीं, मैं मतलब ऐसा वो आपके ना दरिंदगी बड़ी दिखती है स्क्रीन पे जब आता है. पर सर जो भी आपने किरदार किए हैं कसम से कमाल के किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो में. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. आई लव योर शो, आई लाइक इट सो मच दैट आई वांटेड टू बी हियर एंड आई एम सो हैप्पी दैट टुडे आई एम हियर विद सिद्धू पाजी एंड कपिल पाजी एंड ये अपनी बहन के साथ. गौतम आपका किरदार जो है राहुल का बेसिकली वो आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए, फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? आई एम प्लेइंग राहुल इन द फिल्म जो कि फ्रांस से आता है. अच्छा. एंड तो बेसिकली मेरी माँ ने मुझे एक वीडियो भेजा और कुछ फोटोज भेजी बिन्नी की, तो मैं उसको देखता रहा, फिर थोड़ा प्यार हो गया इनसे, तो अब मेरी इनसे बेसिकली शादी होने वाली है. ओके. पर भाई बैठे हैं बगल में इनके. जैसा ना राजकुमार टोपी में से पिस्तौल निकालेगा अभी गोली चला देगा. उसको इतनी बार भाई बोल दिया है. मुझे एक बार बोला था ना सब कर्मा. बट भाई अच्छी चीज करता भी है कि भाई बहुत अच्छे से बहन का ख्याल रखता है. अच्छा. हमेशा आसपास रहता है तो हमेशा रिस्पेक्ट रहती है, यू नो, तो बहन को कभी सफर नहीं करना पड़ता. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. सो स्वीट. अच्छा मैंने देखा गुलशन सर ने जितनी भी फिल्मों में विलेन का किरदार किए हैं मजेदार से गेटअप लेते हैं. आपको ऐसा डर रहता है कि मैं अपने असली चेहरे के साथ ऐसी कोई हरकत करूंगा गलत जो लोगों को लगता है तो बाहर जाके मुझे लोग पहचाने ना? सर ये गेटअप जो लेते हैं ये डायरेक्टर आपको देते हैं कि आप अपनी तरफ से होके जाते तैयार? मैं हर फिल्म में कोशिश करता हूँ कि एक अलग कैरेक्टर अलग तरह से बोलने का अंदाज हर चीज़ पेश की जाए. जी. कि डायरेक्टर रोल लिखते थे और मुझे कहते थे कि आप सुन लीजिए फिर किस हिसाब से आपने इसे करना है. वी विल पुट ऑल दोज न्यूएंसेस इन द राइटिंग. बिकॉज ऑफ द इनकरेजमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स मैं खुद वो रोल्स के गेटअप बनाता था. क्या बात है सर, इसीलिए आप इतनी मेहनत करते हैं आज तक आप छाए हुए हैं. नहीं नहीं अरे रुक जाइए, रहने दीजिए. हेलो हेलो. नहीं 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 अरे भाई रुक जाइए, बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. दो तीन कमाल का न्यूज लेके आएंगे, अब देखिए देखते ही देखते आपका चैनल टीवी पे आ जाएगा. जस्ट वेट फॉर मी. जय महेश मते. तो जी ये क्या बन के नमस्ते व्हाट इज अप बरो, ये क्या बन के घूम रहा है? क्या बन के क्या घूम रहे हैं यार? वो क्या था, हमारे पास कार नहीं था इसलिए हम पत्रकार बन गए. लेकिन यार ओ कपूर शर्मा एक अर्जेंटली दो गर्मा गर्म न्यूज चाहिए यार हमारी, और फेंकिए ना. मैं कहां से दूं न्यूज तुम्हें?
यार अजीब आदमी है ये, एक काम कीजिए यार, ये लीजिए, ये रखिए, ये रखिए, फोन है, इस पे फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी कट 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 कर दीजिए, आप तो न्यूज बना ही देते हैं, ट्विटर पे शुरू होता है आज भी ना। लेकिन सर ये देखिए देखिए, हम जब भी यहाँ पर आते हैं ना, तीन चार अच्छे अच्छे वेरी रिस्पेक्टफुल लोगों का, नहीं नहीं सर, को अच्छा बोला है? नहीं, आप अच्छे नहीं, अच्छा बोला सबके सामने है, नहीं नहीं, अरे ये तो लीजिए ले लीजिए, सबके सामने मुझे अच्छा बोला तुमने, सर आप 40 साल की मेरी मेहनत खराब कर दी तूने। सर आए मतलब इस काम के लिए आया था मैं यहाँ पे, लोगों के सामने तुम मुझे अच्छा बोलो। ओके, ही इज बैटमैन, वेरी गुड, आई लव यू। पहली बात कि यार आदमी को बुरा बोलने पे इतना खुशी होता है, आई लव यू, आई लाइक इट बेबी। देखिए, हेलो सर, हेलो हेलो, और श्रुति जी आपको तो क्या कहे। अरे ये कुर्ता क्यों खा रहा है, अंदर जा, कुर्सी पड़ी एक खाली जाके अंदर, पुदीने की चटनी के साथ। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं, अभी अभी क्या, बाहर एक स्कूटर खड़ा था, उसको हमने खा लिया, उसका टायर अभी भी पेट में अटका है, बेकार का बात करता है यार आदमी। सर हम जरा श्रुति जी को देख के थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि शर्मा तो मैं हूं, तुम क्यों शर्मा रहे हो। ये आदमी बॉक्स के लिए कुछ भी बोलता है सर। पर शर्मा क्यों रहे तू? क्या बताएं सर, आपको बताएं सच में ना, कल ना लड़की वाले घर पे हमें देखने आए थे, अब वो लड़की हमें देख के बहुत अचानक से रोने लगी, क्राइंग क्राइंग क्राइंग, हम बोले यार इतने खुशी के आंसू कैसे निकल सकते हैं किसी के, फिर वो घर से गई, हमारे हम फोन किया, फोन नहीं उठा रही है, एक्चुअली सी ब्लॉक्ड मी। पर देखिए कट्टू, देखिए कट्टू वहां से निकलते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ श्रुति जी बैठ के हमारा इंतजार कर रहे हैं, हाउ लकी एम आई। अच्छा तुझे किसने कहा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है? अब राजकुमार जी आप बताइए, रात के 9 बजे एक लड़की कोई बिना कोई इंपॉर्टेंट काम व्हाई विल बी सिटिंग विद हिम? अरे वो अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही है। ए लीजिए यार, ये फिल्म है, कोई हवलदार है क्या जो प्रमोटर के इंस्पेक्टर बन जाएगा? ऐसा क्या, देखिए ये सब प्रमोशन बहाना है, आई नो। लीजिए आपके लिए, आपके लिए। अरे लीजिए, रखिए बेटा, रखिए रखिए, हमको तो कुछ ऐसा दूर से गोल्डन गोल्डन दिखाई दिया, हम सोचे रिंग होगा। बच्चा एक बात बता, चाहता क्या तू? यार हम डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे उल्लुल्लुल्लुल्लुल्लु करना चाहते हैं, हम करवाएंगे। चाहता है तो ऐसे पूछते हैं जैसे दुनिया का सब कुछ करवा देंगे। हम आपको बता दें सर, हमने अपना एक नया न्यूज चैनल खोला है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूज चैनल है नंबर 1 बन जाए, आथू टीवी। ये क्या नाम हुआ आथू? अब सर हमने क्या किया, 3-4 लोगों से जाके पूछा यार क्या नाम रखे चैनल का, वो बोले कि एंकर कौन है, हमने कहा हम, उन्होंने कहा आथू। हम बोले यार कि यार इस नाम में एक गीलापन तो है। बस आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे और अपना चैनल तड़ातड़ चलेगा बस। ना तो फिर इंटरव्यू ले, फिर जा। तो शुरू करते हैं इंटरव्यू फॉर आथू टीवी। ओके, सबसे पहला सवाल गुलशन ग्रोवर जी, हमको एक बात बताइए, ये जो फिल्मों में आपको ऐसा लेडीज को पिकअप कर लेते हैं आप, ऐसा मतलब किडनैप करते हैं, ये सब करने के लिए कौन कहता है आपको? अरे 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 यार, हमेशा राइजिंग स्टार क्यों हो जाते हैं? क्या सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा, तेरी धोती खुलेगी ये आथ। उनको डायरेक्टर बोलता है उठाने के लिए, तो डायरेक्टर को बोलिए खुद जाके किडनैप करे ना यार, आपको काम दे सकता है, हम का आपको बैटमैन बना दिया। राजकुमार राव जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये आपको ना साहित्य के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो ये अभी भी आपके पास रखा हुआ है कि साहित्य को दे दिए? नहीं, मैंने शाहिद को अपने नाम की एक फिल्म बनाने को दी थी आर राजकुमार, तो उन्होंने वो मेरे नाम यूज करके फिल्म बना ली थी। ए लीजिए, I always say life is about give and take. ये हो गया give and take. वैसे एक बात बताएं, बहुत मुश्किल काम है कप्पू शर्मा ये इंटरव्यू लेना यार। वैसे एक बात बताइए सर, कि ये जो इंटरव्यू है जो लिया हमने, ये सब जो लिया, ये हमको अब देना कहाँ है?
मुझे क्या पता? आप कहाँ देते हैं? सोनी टीवी को. तो हम भी सोनी टीवी को दे देंगे. तो लेंगे नहीं ना. तुम्हारा इंटरव्यू तो हमारे इंटरव्यू के बीच में घुस गया ना, चल गया वो तो. हाँ तो चीटिंग किया ये आदमी यार. हमारा इंटरव्यू आपके इंटरव्यू के बीच में ऐसा घुस के आ जाएगा सोनी टीवी पे. और यार ये तो खुशी की बात. आप हमारा तो पूरा पैसा ही लूट गया. हम आपको केस करेंगे आपके ऊपर. अरे तू रोक ही रहा है. चीटिंग किया आपने हमारे साथ. किसने कहा था तेरे को इंटरव्यू लेने के लिए? इंटरव्यू लेने आए थे. इट इज रॉन्ग यार. इट इज रॉन्ग. अच्छा चल चल रो ना, कोई जोक तो सुना बच्चा. ये अच्छा बात किए ना आप. ये अच्छा बात. जोक सुना दे. जोक. आर यू रेडी फॉर जोक? ये लीजिए. पेश करते हैं. एक बार एक आदमी होता है, बोलता है, सेल्समैन है, कहता है कि सर आप ये कॉकरोच का पाउडर लेंगे? तो सर के घर में जो है बहुत सारे कॉकरोच हैं, फिर भी वो पाउडर नहीं लेते. पूछे क्यों? क्यों? तो कहते हैं कि आज कॉकरोच को पाउडर दूंगा तो कल परफ्यूम मांगूंगा, परसों लिपस्टिक. बहुत फनी था, बहुत फनी. आप लोग हमने ज्यादा एंजॉय करवा दिया. अब हम चलते हैं यार, लेकिन बहुत मजा आया. गुड बाय, सी यू लेटर. अच्छा गुलशन सर को हमेशा लोगों ने खलनायक वाले रोल करते देखा है. सर अगर आपको किसी लड़की ने सत्यनारायण की कथा सुनाई है, मान लीजिए सपोज श्रुति ने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड्स कहते हुए सुने, जो भी आपको बोलना है. कपिल मैं आपका फैन हूं, आपके लिए कुछ भी करूंगा. आओ बेटी. देखो बेटी, आज तुम्हारे मुंह से सत्यनारायण की ये कथा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू की जरूरत थी. देखो बेटी, हम तुम्हें बहू की तरह नहीं बेटी की तरह से रखेंगे. तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने देंगे. तुमने हमें कोई तकलीफ दी तो तुम्हारी माँ को उठा लेंगे गन्ना चूस के. थैंक यू गुलशन सर. थैंक यू श्रुति. सर मेरे को बात बताइए, जैसे ये हीरो लड़के हैं, इतने हैंडसम हैं, आप भी इतने हैंडसम हैं, लड़कियां बहुत ऐसे फैन जो आती आके मिलती हैं, विलन के साथ भी ऐसा होता है? मैं पंजाब में शूटिंग कर रहा था पिक्चर सोनी महिवाल की, सनी देओल, पूनम ढिल्लों, जीनत अमान, बहुत सारे लोग. खूबसूरत लड़कियां आई, सनी देओल से ऑटोग्राफ ले रही हैं, बात कर रही हैं, ये कर रही हैं, मेरी तरफ कोई आ नहीं रहा. मैंने पगड़ी बांधी हुई थी, दाढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद पहचान नहीं रही मुझे. अच्छा. तो डायरेक्टर उमेश मेहरा जी की वाइफ रितु भाभी और पूनम ढिल्लों को मैंने बोला मैं यहाँ से निकल के जाऊंगा, जोर से कहना गुलशन ग्रोवर इधर ना, गुलशन ग्रोवर सुनना, तो उनको पता चलेगा ये गुलशन ग्रोवर है यार. तो मैंने वैसे एक्टिंग की, जाने की, पीछे से पूनम ढिल्लों और रितु भाभी ने कहा गुलशन ग्रोवर सुनो, गुलशन ग्रोवर इधर आओ. गुलशन लड़कियों को कन्फर्म हो गया ये वाकई गुलशन ग्रोवर है. 5 मिनट में सारी लड़कियां सेट छोड़कर चली गई. श्रुति ऐसे एक बात बताओ, जैसे अभी मुझे वैसे ही याद आया, अभी ना गौतम जो है हमारे टीवी से पहले आर्टिस्ट हैं जो कांस फिल्म फेस्टिवल में गए थे, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ जाती हैं लंबे लंबे गाउन पहन के, हाँ. 4 लोग तो गाउन के साथ ही अंदर घुस जाते हैं अवार्ड शो में. वो लंबे लंबे गाउन क्यों पहनती हैं लड़कियाँ? बिकॉज इट्स फैशनेबल. आप तो गाउन भी नहीं पहनते गौतम, आप क्यों गए थे उधर? गाउन से एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरा पहली बार था और मेरा वहाँ मेरी फिल्म सिलेक्ट हो गई और मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ. एग्जैक्टली मैं वहाँ पहुँच गया तो I couldn't even recognize so many Hollywood stars. तो किसी के गाउन पे मेरा पैर चला गया था. I just said, hey ma'am, so sorry about that. So she like, hey, it's all right. And she was looking at me like this. I'm like, ये देख क्यों रही है इतना मुझे? Then I'm like, okay. बाद में जब मैं स्क्रीनिंग पर बैठा तो by chance वो फिल्म यशराज फिल्म्स की थी. उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म में प्रोड्यूस किया था. वो उसी पिक्चर की हीरोइन थी और उनका नाम था निकोल किडमैन. अरे वाह. आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है. पहले पहले जैसे आपने कहा कि विलन्स को देख के लोगों को लगता था कि ये सच्ची में वैसा तो नहीं है,
पर आजकल मुझे लगता है लड़कियों को बैड बॉयज भी अच्छे लगते हैं. पता नहीं मुझे एक्चुअली पूरा कोई अगर अपने विचार पेश करना चाहता है कि क्या लड़कियों को बैड बॉयज अच्छे लगते हैं या चुपचाप भोले भाले राजकुमार गौतम जैसे बैड बॉयज. जी नमस्कार, मेरा नाम संगीता गेरा है. आपने पूछा कि शरीफ अच्छा होता है या बदमाश, तो मैं कहूंगी कि आदमी तो शरीफ ही बढ़िया होता है. अच्छा जी. हाँ, शरीफ आदमी जो है जैसे मेरे हस्बैंड है ये बहुत शरीफ है और पिछले 30 सालों से हम साथ हैं और बहुत शरीफ है. मैं आपको आपके शरीफ साथ रह रहे हैं तो शरीफ तो अपने आप ही हो गए. भाई साहब कहाँ से मिले थे आप? नहीं भाई साहब, मैं और भाई साहब दोनों, सॉरी नहीं आपको थोड़ी भाई साहब, मेरे पति मैं और भाई साहब मेरे पति आपके भाई साहब. जी जी. ये मैं और ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे. अच्छा जी. हाँ, साथ बैठते थे टेबल पर, वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई. 6 महीने तक इन्होंने मुझसे सिर्फ नमस्ते किया था और उस नमस्ते पे ही मैं फिदा हो गई थी. अच्छा. हाँ, और उसके बाद ये बात नहीं करते थे. नमस्ते अब भी करते हैं लेकिन अब नमस्ते वो करते हैं कि धन्य हो आप, धन्य हो. पर वो बात कैसे करें, आप तो रुकती नहीं है तो बात कोई और कैसे करेगा? रुकती हूँ, रुकती हूँ. कौन से स्टेशन पे? तो उसके बाद हमारी साल भर में शादी हो गई, साइकिल पे हमारी लव स्टोरी शुरू हुई. तो और चुप हो गए होंगे. नहीं, चुप नहीं है, ये बोलते कम से है लेकिन मैंने इनको काफी बोलना सिखाया है. बहुत मजेदार है आप, बहुत खुश दिल है, ऐसे ही खुश रहा करें, अच्छी बात है. अच्छा लगा आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच. अच्छा, आप सब फिल्मों में इतने अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं, मैं आपको कुछ पुराने फेमस डायलॉग्स बोलूंगा, आधे बोलूंगा, बाकी के आधे जो है आपको रियल डायलॉग्स नहीं बोलने, अपने हिसाब से इम्प्रॉम्प्टू. पहला डायलॉग है, कुत्ते कमीने मैं तेरा बिस्किट खा जाऊंगा. वेरी नाइस. आज मेरे पास गाड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं है यार, 100 रुपए उधार देना. वाह, शाम आए तो कहना कि अरे पानी भर के क्यों नहीं रखा, 2 घंटे बाद पानी जाने वाला है. इधर भी आया कुछ. शाम आए तो कहना. गुलशन जी को बोलने दीजिए. फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, कटप्पा, बाहुबली, राजामौली. वाह. जिनके घर शीशे के होते हैं वो अपने शीशे गीले कपड़े से साफ करते हैं. रंजीत, मैं तुम्हारे बच्चे की टीचर हूं, ये नालायक को घर में ही पढ़ाया करिए वरना फेल हो जाएगा. बाकी के भी आप ही पूछ लीजिए सर. ओके, लास्ट डायलॉग. अम्मी जान कहाँ करती थी? अब्बू पे निगाह रखना, ये गुलशन ग्रोवर की पिक्चरें बहुत देखते हैं, यहाँ वहां भी जाते हैं. वेरी नाइस. अरे वाह, आज लग रही है पूरी पागल. अच्छा, मुझे गेस्ट को हाय तो बोलने दो. हाय श्रुति, हाय राजकुमार, हाय गौतम. हेलो. हेलो सर, हाउ आर यू? तो शुक्र है बहनों की, तेरी में तू नहीं थी, नहीं तो सारे कहते बहन है मेरी, बहन है मेरी. तो कोई कहावत है क्या, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर. बल्ब होल्डर ये सब रात को चीजें निकाल लेती दुकानों से, तो बेच देना बस. ये पता नहीं कहाँ से कोर्स पढ़ पढ़ के आ जाती है. मतलब मैं आती नहीं और तुम शुरू हो जाते हो ना. पता है मैं जब अपनी फोटो डालती हूँ ना फेसबुक पे तो 1 मिनट में पाजी मैं ट्रेंड करने लगती हूँ. देखो पता फेसबुक पे फोटो डाल के क्या लिखती है, कहती इस गरीब बच्चे के पास इलाज के पैसे नहीं है, मदद नहीं भी करेंगे तो 1-1 लाइक करें, 1-1 रुपया मिलेगा. इसका मतलब तुम चोरी चोरी मुझे फॉलो करते हो. फॉलो करता हूँ मैं, हरकतें ऐसी करती है, आरटीओ ऑफिस चलेगी, कहती मुझे फेसबुक चलाना है, मेरा लाइसेंस बनवा दो. उन चीजों के लिए लाइसेंस नहीं होते. तुम्हें कैसे पता? मुझे तो बहुत कुछ पता श्रुति, तुम्हें पता है ये पानीपुरी खाने जाती ना ये, तो पानीपुरी वाला खिला रहा खिला रहा खिला रहा, चलती पानीपुरी वाले स्टैंड में ऐसे आंख मार के ना उसको गिनती भुला देती है, 2 गोलगप्पे एक्स्ट्रा खा जाती है. वैसे मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम गिनती भूल जाते हो. वाह, बात करने आ रही हो तो तुमने भुला ही दिया. श्रुति, आज ना एक्चुअली मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, रोमियो एंड जूलियट, एंड ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग जूलियट.
यूपी गवर्नमेंट को पता चल गया ना तो एंटी जूलियट स्क्वाड बना देनी उन्होंने। अरे ये जूलियट बनी है, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं जूलियट बन सकती? पता है मैं दादाजी स्ट्रीट प्लेस करते थे। आप आए दादाजी, मैं सोच रहा था 5 मिनट हो गए दादा की नहीं आए। दादाजी कोई स्ट्रीट प्ले नहीं करते, चोरी चकारी करते थे, बच गए तो कामयाब, नहीं तो कहते हम तो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। झूठ मत बोला करो। नाटक में तो तुम्हारा जवाब नहीं ना गप्पू, लेकिन क्या है ना पाजी, वो मुझे प्ले के लिए ना रोमियो की तलाश है। मैं एक्चुअली मैं आपका रोमियो बनना चाहूंगा भाई। ये तो कुछ भी बोलती है वैसे, क्या बात है। तो आज थोड़ी सी रिहर्सल कर ही लेते हैं। कर लेते हैं ऑफकोर्स। कपू तुम नौकर बन जाओ प्लीज। मैं नौकर बनूं तुम्हारा? हाँ नौकर बन। डायलॉग मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। अच्छा बोल के दिखाओ पहले। मालकिन निकली है यहाँ से। ऐसे नहीं बोलते, शेक्सपियर के अंदाज में बोलो। मालकिन कैन यू प्लीज गेट आउट। मेरा रोमियो यहीं पे खड़ा है, तुम रहने दो। रोमियो। यस जूलियट। देखो ना मौसम कितना सुहाना है। बहुत सुहाना है। तो एक एक ड्रिंक ले। ज्यादा ड्रिंक करा के पैसे मांगेगी आपसे, देखना। तुम चुप रहो। नहीं नहीं और रोमियो क्यों ना आप मेरे एक रोमांटिक सा शेर बोल दो। रोमांटिक सा शेर? हाँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। ओए होए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी बहन, तू है मेरी। चलो अपने आप जाऊंगी मैं, छोड़ता हूँ। आ जाओ आ जाओ। अरे हमारी पिक्चर है, वो बहन तो डालना पड़ता है हमको बीच बीच में। नहीं नहीं तो इसी बात पे फिर अगर मुझे बहन बनाई दिया तो फिर मेरी तरफ से आपके लिए एक म्यूजिक। ओके तो रोमियो एंड जूलियट तो डांस तो बनता है ना कप्पू। थैंक यू। अरे जी गाना खत्म हो गया। जिस तरह के रोल हम करते हैं उसमें गाने वाने की जरूरत नहीं होती। और जो बाकी की ऑडियंस होती है उन्हें सिर्फ डरने को मिलता है, बैठ जाओ और डर जाओ। कप्पू बचा लो कप्पू। और आज जूलियट बनके आपके फैंस यहाँ पे आपके साथ बातें करना चाहते हैं, तो जो भी मेरे दोस्त मेहमान कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। यस मोहतरमा। हाय सिद्धू सर। हाय कपिल। हाय हाय एवरीबॉडी। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज फॉर गौतम सर। जी सर, एक्चुअली आई एम एन वेरी 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 बिग फैन ऑफ योर्स एंड आई हैव सीन ऑल योर शोज सर। सो सर कैन आई प्लीज 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 कैन आई डांस विद यू? श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम विद दैट। कम। बहुत इंग्लिश बोली भी आपने आज। आ जाओ। इतनी इंग्लिश बोलते हैं उनको हम टिकट करवा के भी देते हैं। आइए। आई एम अ टीचर। अच्छा टीचर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या पढ़ाती हैं? I'm a biology teacher as well as an artist as well as a student. अच्छा student भी आप हैं, teacher भी आप हैं। teacher भी हैं। खुद ही पढ़ाती रहती हैं अपने आप। artist भी हैं। अच्छा जी। thank you teacher, thank you so much. जी और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैम। Hello everyone. Hello. मेरा सवाल गुलशन जी से है। Can I come there and आपके साथ एक romantic scene करूं? Please. Such a pleasure. आप देख कैसे रहे सर? अंदर से नहीं आ रहा, बड़ा ही जाली लग रहा काम। तुम्हारी आंखों की ये शोखियां, ओए होए, तुम्हारे लबों के गुस्ताखियां, तुम्हारी ये धड़कनें, तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ चेहरा, जल्दी से चले जा, 2-3 सेकंड के अंदर मेरा भूत जाग जाएगा। करना चूज कर, प्लीज चली जाए। वो बैक मार रही थी, थोड़ा थोड़ा बैक मार रही थी वो। वो ऐसे भी करनी थी ना, रोमांटिक सीन होता था लड़कियां भी ऐसे फैल जाती, वो ऐसे करी थी। क्या है, कहाँ से आए आप? West Bengal से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डार्लिंग, थैंक्स अ लॉट। आइए माई बाइक सर। सही में बहुत डर रही थी ये, पता आपको? चलिए एक बार जोरदार तालियां बहन होगी तेरी की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए श्रुति, आइए राजकुमार, गौतम, गुलशन सर। और एक सर हम खूबसूरत सा गिफ्ट हम अपने दर्शकों में जरूर किसी ना किसी को देते हैं। जैसे मैडम आप बहुत खुश दिल हैं, बहुत हंसती हैं आप, और बहुत अच्छा लगा आपको मिलके सर। ये अपने हाथों से थैंक यू सो मच।
आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो।